केरला मालाबार जो नरसंहार होता है 100 वर्ष बीती तेज तानी नुआ दिल्ली एक कार्यक्रम आयोजन कराई आम सहित कपिल मिश्रा अच्छा सीधा सड़क सहित आलोचना करवा सर क्या बोलना चाहेंगे कितना बड़ा नरसंहार हुआ था और आज की डेट में भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल के बाद इस नरसंहार के बारे में बात शुरू हुई है। अभी तक तो जो हत्यारे थे, जो आतंकी थे, जो जिहादी थे, उनको स्वाधीनता सेनानी बताया जा रहा था। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, केरला विधानसभा के स्पीकर ने तो अभी भगत सिंह से उनकी तुलना की है। कितना शर्मनाक है, आप जिहादियों को, आतंकियों को, हत्यारों को, उनको स्वाधीनता सेनानी पढ़ा रहे हो पिछले 100 साल से। ये भयानक नरसंहार था, दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक नरसंहार था। और हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं नमन करने के लिए उन लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और ये संकल्प करने के लिए कि ये झूठा इतिहास इसको सही करवाएंगे और नरसंहार कभी दोबारा हिंदुओं का ना हो, इसके लिए ये जो गलतियाँ पहले हुई हैं ये कभी दोबारा होने नहीं देंगे। जिन लोगों को अभी भी फ्रीडम फाइटर के नाते पेंशन मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, उन सब बंद होना चाहिए, पेंशन बंद होना चाहिए उनके ऊपर। अगर उनकी ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है उसके बावजूद भी हत्यारों के तौर पे उनका नाम इतिहास में दर्ज होना चाहिए, जो भी कानूनी पनिशमेंट हो वो होना चाहिए। और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ मालाबार नरसंहार का सच पढ़ें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हिंदुआ मरे थे उनके लिए आप क्या डिमांड चाहेंगे, कोई मेमोरियल या कुछ? बिल्कुल मेमोरियल होगा भी, और डिमांड नहीं है ये तो हम लोग बना के ही रहेंगे। और आज उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप शुणुले कपिल मिश्रा जी की बीजेपी नेता रही से सीधा साल कहते जे आगामी दिन में या कि भाव म्यूजियम तैयारी हो जो मानू जो मैंने हत्यारा थे जो मैंने हत्या करते से जो भूल मार्गदर्शन देखा जाए हिस्ट्री में भूल तथ्य दे कि फ्रीडम फाइटर आख्या दी जाइए तेणु ता बंद हाँपाई निश्चित भाव से स्वर उत्तोलन करेंगे और आगामी दिन में म्यूजियम बनईकी रखे से सीधा साल निजर उत्तर में कहते नुआ दिल्ली कैमेरा पर्सन नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज़।